पुरानी बात है, दिल्ली जैसे शहर में रमेश रहा करता था। रमेश एक वेल रेपुटेटेड कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर काम किया करता था। हाल ही में रमेश की शादी हुई थी। रमेश के घर में रमेश के अलावा रमेश की मां और उसकी धर्मपत्नी ही रहा करती थी। रमेश की मां बहुत ही पुराने ख्यालातों की थी और गांव की भी रहने वाली थी, पर वहीं रमेश की बीवी अपने सास की सोच से एकदम परे थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में रमेश की बीवी मानवी थोड़ी सहम के रहती थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए मानवी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे बेटा, तू ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, आप कैसे हर बात में टोकना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप अपने काम से काम रखा कीजिए और मेरे काम में अपनी ये बुढ़ी टांग ना लाया कीजिए। आई बात समझ में? अरे बेटा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बस बस माँ जी, बहुत हुआ। मैं यहाँ आपके लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे और भी काम होते हैं। मानवी अपनी सास की पूरी बात सुने बिना ही उसकी बात काट कर चली जाती है। ये सब मानवी की सास को बहुत बुरा लगता है। इधर मानवी अपने मॉडर्न होने के घमंड में आपे से बाहर थी और बहुत ही खुशी खुशी अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही थी। शाम हो गई थी, रमेश ऑफिस से घर आता है। मानवी, मेरे लिए जरा एक ग्लास पानी ले आना। रमेश कुछ और बोलता, इससे पहले ही रमेश की माँ वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तेरी बीबी पूरे खानदान की नाक कटवाने में तुली है, उसे संभाल ले, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया माँ? मानवी ने भला ऐसा क्या कर दिया कि अनर्थ हो जाएगा? बेटा, उसकी जबान कैंची की तरह चलने लगी है, मेरी बातों को तो बिल्कुल अनसुना कर देती है, संभाल ले उसे। ठीक है माँ, कहाँ है मानवी? बुलाओ उसे, मैं पूछता हूँ। मानवी, ओ मानवी। अरे क्यों चिल्ला रहा है? रहेगी घर तब तो पूछेगा ना, गई है अपने दोस्तों के साथ किट्टी बिट्टी पार्टी करने। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मानवी ने धीरे धीरे अपनी सास के खिलाफ रमेश के कान भरने शुरू कर दिए। देखिए, आपकी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया है, या तो आप इनको छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो, कह देती हूँ। हाँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो मानवी? भला इस उम्र में माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे उसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसका एहसान इस तरह मुझे चुकाने को कह रही हो? थोड़ी तो शर्म करो, ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना मैं अपनी माँ को, समझे? रमेश और मानवी की बहस इस बात को लेकर बहुत आगे तक बढ़ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, दोनों की बहस अब हर रोज शुरू हो गई थी। ये देखकर रमेश की माँ को बहुत दुख होता था। हे भगवान, पता नहीं कैसी नकचड़ी बहू मिली है, कैसे मेरे बेटे की जिंदगी गुजरेगी इस नकचड़ी के साथ। एक दिन की बात है, रमेश का तबादला उसके शहर से दूसरे शहर में हो गया। रमेश अपनी माँ को ये बोलकर मानवी के साथ दूसरे शहर में आ गया कि वो उसको अगले महीने अपने पास बुला लेगा। अच्छा हुआ जो आपका तबादला दूसरे शहर में हो गया, आपकी माँ से कम पीछा तो छूटा। फालतू की बकवास मत करो मानवी, मैं अगले महीने ही माँ को अपने पास बुलाऊंगा, समझे? अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन रमेश ऑफिस से घर आकर मानवी से बोला, मानवी माँ का फोन आया था, कुछ पैसों की जरूरत है उनको, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो तुम एक काम करो, कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, समझ गई? आप भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं कोई पैसे वैसे ट्रांसफर नहीं करने वाली, समझे? तबीयत खराब है तो होने दो, किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा लेंगे, 50-100 रुपए ही तो लगेंगे। कुछ दिन बीत गए, मानवी ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। मानवी, क्या तुमने पैसे माँ को ट्रांसफर कर दिए थे? मैंने आपसे पहले ही कहा था
कि मैं कोई पैसे वैसे ट्रांसफर नहीं करूंगी। पैसे ना ट्रांसफर करने की बात को लेकर मानवी और रमेश में बहस होने लगती है। तभी मानवी की माँ उनके पास आती है। अरे माँ, तुम अचानक से यहाँ कैसे? बेटा, मेरी तबीयत आजकल ज्यादा खराब रहने लगी है, तो दमादी से कुछ पैसे मांगे थे पर इन्होंने भेजे ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। क्यों जी, आपने मेरी माँ को पैसे क्यों नहीं भेजे जब मेरी माँ ने आपको कॉल किया था? तो मानवी, उस दिन मैंने तुमसे जो पैसे ट्रांसफर करने की बात कही थी, वो तुम्हारी माँ को ही पैसे ट्रांसफर करने थे और तुम मेरी माँ को समझकर पैसे ही ट्रांसफर नहीं की। आज तुम्हारी माँ इस हाल में है तो वो तुम्हारी वजह से, और मेरी माँ मुझसे दूर है तो इसका कारण भी सिर्फ तुम ही हो। ये सुनकर मानवी बिल्कुल शर्मसार हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो आगे अब क्या बोले। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं माँ जी से भी माफी मांगूंगी और उन्हें अपने साथ इस शहर में लेके आएंगे और अपने पास अपने ही घर में रखेंगे। इसके बाद रमेश, मानवी और उनकी दोनों माँ सब साथ रहने लगे। माँ किसी की भी हो दोस्तों, माँ माँ ही होती है। माँ की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। माँ से पढ़कर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।